मेरे बाल बहुत गिरते हैं, बालों में चमक नहीं है, बाल बढ़ना शायद रुक गए हैं। दीज आर द ग्लोबल इश्यूज, पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल हैं। लेट्स डिस्कस टुडे सम मेडिकल सॉल्यूशंस। नंबर वन, मसाजिंग। सबसे पहले बालों को मालिश करें, उनमें अच्छे तरीके से मालिश करें। इस तरीके से जो बाल बढ़ना रुक गए हैं या आहिस्ता बढ़ रहे हैं, हेयर्स विल रीग्रो। बाल इससे मोटे होते हैं, दोबारा सही उगना शुरू हो जाते हैं। और रोजाना कम से कम एक बार मालिश या मसाज करने से टेंशन और स्ट्रेस भी कम होता है। बालों में जो डर्मल पैपिला होते हैं, इनमें स्ट्रेचिंग फोर्स पैदा होती है, ये खींचते हैं और यूं बाल लंबे होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट दे रिकमेंड इट मस्ट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद ऑयल। जिल्द के डॉक्टर कहते हैं कि ये मसाजिंग तेल के साथ अगर की जाए तो इसके बेहतरीन नतायज सामने आते हैं। याद रहे, तेल का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। बालों पे तेल लगाने का सुन्नत तरीका क्या है, आइए सीख लेते हैं। उल्टे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा तेल डालें, फिर सीधे हाथ की उंगली से तेल सबसे पहले वो राइट साइड की भवों पे, आईब्रोज पे लगाएं, फिर लेफ्ट भवों पे लगाएं, फिर राइट पलकों पे लगाएं, फिर लेफ्ट पलकों पे लगाएं, फिर यूं मलके पहले सर के सीधे हिस्से पे, फिर बाई तरफ आप लगा सकते हैं। एंड सेकंड इज एलोवेरा। इट्स एन अमेजिंग प्लांट विद डाइवर्सिफाइड क्वालिटीज। बड़ा ही जबरदस्त पौधा है ये जी, और सदियों से बालों के गिरने का जो मर्ज है इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्कैल्प होता है ना, जो इंसान की जिल्द होती है सर की, उसको ये सूत करता है, नरम करता है। फॉलिकल्स, वो सुराख जहां से बाल निकलते हैं, उनको खोलता है और सिकरी भी कम करता है। आप डायरेक्ट एलोवेरा खालिस भी लगा सकते हैं या ऐसे शैम्पू और कंडीशनर यूज कर सकते हैं जिनमें वाकई एलोवेरा इस्तेमाल किया गया हो। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, नहाने से पहले या नहाने के बाद इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी। प्रोटीन एनरिच्ड ऑयल मेक द हेयर शाफ्ट लॉन्ग। ये इसके अंदर प्रोटीन होती है और ये बालों को, जो बाल का शाफ्ट होता है उसको लंबा करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सी खूबियां इसमें, बालों को सेहतमंद करता है, बालों को मजबूत करता है। सबसे ज्यादा ये मछली में पाया जाता है। गीले बालों में ब्रश ना करें, स्टे हाइड्रेटेड, अपने अंदर पानी की कमी ना होने दें। वाइटामिन डी का इस्तेमाल जरूर करें, गाजर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फिर अगर आपके बाल ऑयली हैं या ड्राई हैं, इसके मुताबिक शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल करें। इन चीजों की एहतियात करेंगे, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बाल सेहतमंद रहेंगे।